Hold, hold, ma'am. और पीछे आ रहे हैं कहा धूप पे लेके जा रहे हो मैंने ज्यादा पीछे हो तुम फ्लैश बंद यहां पे लेके यहां पे फ्लैश ही दे दूंगा पूरा यहां पे लेके राधिका अरे यार तू फ्रेंड चलिए हलवा बनाते चलिए बनाते हैं हां उसका ये तो मैं डाल सकती हूं ये देखो ¡Gracias!
बहुत मजा आया। आई थिंक मैं बचपन में जब मेरी मॉम पिन्नी बनाती थी तब उनकी हेल्प करती थी मैं, तो उसके बाद अभी मैंने ट्राई किया है। बट ऑफकोर्स फिल्म के दौरान इरफान सर एंड दीपक सर ने तो ट्राई किया ही था, वो क्योंकि मिठाई की दुकान चलाते हैं तो वो थोड़े एक्सपर्ट होंगे, बट मैंने अभी ट्राई किया पहली बार। बट या बहुत मज़ा आया। सीताराम जी, ऐसे आपकी मिठाई का मतलब ऐसे इंटरनेशनल सबसे मेरा जो ब्रांड है वो लोगों के सामने आए हैं, आप इस पे तो फिल्म बन चुकी है, सो योर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। सो व्हेन द स्टोरी लाइन केम टू अस, द स्टोरी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। इफ यू सी द कंटेंट इज अबाउट बेटी पढ़ाओ, हाउ अ कॉमन मैन डज एनीथिंग जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। सो वी कनेक्टेड रियली वेल एंड द मूवी स्प्रेड्स अ लॉट ऑफ जॉय, इट्स अ वेरी हैप्पी मूवी एंड सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू स्प्रेड अ लॉट ऑफ स्वीटनेस बेसिकली एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। एंड विद दिस आई मीन द मैसेज इज वेरी गुड विद द मूवी, आई होप यू गाइस ऑल एंजॉय इट। ऑल्सो क्या हुआ है, एक्चुअली हमारी फैमिलीज भी बहुत पहले से एक सबको जानती हैं, और दिनेश साहब भी घर पहले फैक्ट्री आते थे बचपन में, वो कोल्ड रूम के अंदर जाके अपनी मिठाई चूज करते थे, तो डैडी के साथ उनका रिलेशन ही अलग रहा है। सो हम लोग को वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऐसे इतने बड़े फिल्म के साथ विच हैज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, फादर और बेटी का प्यार, एक बेटी को पढ़ाने के लिए क्या आदमी करता है। So we are very, very happy and we hope you all enjoy the movie as much as we've really enjoyed it. सारी पसंद है मुझे, रसगुल्लियाँ, छोटी वाली रसगुल्लियाँ और जलेबी और रबड़ी, और अभी मत करो मैं चीट नहीं कर पाऊँगी, मत सोचवाओ मुझे, बट मुझे सब सारी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। बट हाँ, ये सारी मेरी फेवरेट है जो मैंने अभी बताई आपको। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों से इतना प्यार मिला है, एंड कल हमारी मूवी ऑडियंस के हाथों में जाएगी, आई होप उनसे भी उतना प्यार मिले। बट आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू आपने इतना प्यार दिया मुझे एंड मूवी को इतनी अच्छे से स्वीकार किया, एंड बस मैं बस चाहती कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे। ओके राधिका मैम, ये मूवी में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, करीना मैम है, इरफान सर है, दीपक जय है, उसके अंदर से आपको उभर के आना, बहुत जन ने ये आपको नोटिस किया है, वो कितना प्लेजर फील करते हैं, कितना बड़ा मान है। जी, कभी मकसद ये नहीं था कि उनके सामने उभर के आना है कुछ है, बस बहुत ऑनेस्टी के साथ कैरेक्टर प्ले करना था, यही सोच के गई थी। ये नहीं सोचा था कि अरे इनके सामने तो मैं दिखूंगी नहीं तो मैं ओवर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बस दिल से काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा उनके सामने दिख रही हूँ तो थैंक यू, बट मोटिव वो नहीं था, वो मोटिव बस इतना ही था कि ऑनेस्टी के साथ अपना कैरेक्टर निभाऊँ। ट्वीट किया जी, बहुत ही पसंद आया वो गाना, तो जरा उसके बारे में बताइए कि
मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिलीव नहीं हुआ था कि दी अमिताभ बच्चन जी पोस्ट किया है. बट आई थिंक इतना स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए. मतलब मैं उसको सोने से पहले, खाते वक्त, हर जगह देखी जा रही थी उस पोस्ट को. मैंने इसका स्क्रीन शॉट लिया हुआ था. बहुत स्पेशल मोमेंट था. सो थैंक यू. सर आप बताइए और कि और कौन कौन सी क्वालिटीज मिठाई में आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने. जैसा कि दिनेश जी, जैसा कि बचपन से आपकी दुकान पर आते हैं लोग बहुत ही पसंद करते हैं. और कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं या और कौन सी क्वालिटी आप अपने मिठाइयों में रखते हैं जिससे लोगों को आकर्षित कर सकते. सो घसीटाराम एक्चुअली हिस्ट्री बताता हूँ. इट्स अ 104 ईयर ओल्ड ब्रांड. तो दिस इज, आई एम द फोर्थ जनरेशन इन बिजनेस एंड we've been carrying out this business for so many years, and we especially take care a lot of on the quality of raw materials and everything. So we don't compromise anything on the quality. And Bombay mein jitne bhi actors hain, humne unko mithaiyan khilai hai actually. To modak se lekar ke laddu se lekar ke bengali mithai, so sabko pasand hai kafi ka Sitaram ka naam. जी जैसे की सारी परेशानी होती है, हिंदी मीडियम में हमने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एड्रेस किया था. मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगी. बट अगर हम एडुकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो फैसिनेशन है विद स्टडिंग अब्रॉड, हम उस चीज़ को इस फिल्म के अंदर एड्रेस कर रहे हैं. तो इट इज़ ना लेस ऑफ द एडुकेशन सिस्टम विच इज़ देयर इन इंडिया, बट मोर ऑफ दिस ठप्पा कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो मतलब हम कूलेस्ट इंसान हैं इस दुनिया के. सो उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं, जिस जो आपके बाकी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व हो जाएंगे. देखना ज़रूर. जी सबका एक अपसाइड है, सबका एक डाउन साइड भी है. हमने मूवी के अंदर देख ही लिया, अगर आपने कल स्क्रीनिंग देखी तो आप समझ में भी आ रहा होगा कि उसके रेपरकशंस क्या क्या हैं. तो वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल डिसीजन है कि अगर आप उस तरफ जाते हैं तो आप ये परिणाम फेस करेंगे, तो आपको करना है कि नहीं. और अगर आप नहीं करते तो आपको पता है कि क्या होता है. तो वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है. दैट इज इट. ओके, मिठाइयाँ आती है तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे राधिका ने कहा कि मुझे बहुत सारी मिठाइयों के नाम लेने पे ऐसा मन कर रहा है कि खा लूँ मैं जी, लेकिन वो अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए बीइंग एन लाइक एक्ट्रेस आप वो खा नहीं सकती बहुत सारी मिठाइयाँ. तो आप लोग क्या केयर करते हो. तो अब एक्चुअली हमने एक शुगर फ्री रेंज भी चालू की है विच इज़ नॉट स्वीटेंड आर्टिफिशियली, इट हैज़ बिन स्वीटेंड विद स्टीविया. तो वो क्या है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी ले ले हुए, डायबिटीज़ के लिए भी गुड है. तो दैट इज़ देयर नाउ. थैंक यू, प्लीज मेरे घर पे भिजवाइए. रेंज यू विल गेट इन शुगर फ्री. Thank you. Okay guys. Thank you. चलो अरुण. हां मैं मेरे हाथ तो धोए थे मेरे को एक बहुत अच्छा था इधर से लेके गया तो बना रहा मैंने बनाए हुए यार मैंने अभी बना रहा हूं ये दिन बोले वापस अच्छे मेरे नहीं नहीं ये नहीं है नहीं ये नहीं अरे यही है यही सर को नहीं पता अरे इधर अरे हो गया भाई अरे रुको जरा अरे तुम बहुत फ्रेम खराब You have to bend. अरे तू क्यों बैंड तू खड़ा रहेगा चलेगा कोई नहीं है कोई नहीं है. Thank you. तेरे से लगाई मिनिमम बोल
you send it? Can I carry it? Yeah, yeah, we need it. Class will be. That's it. राधिका जी यहाँ पे देखो, राधिका जी यहाँ खोल, थैंक यू। क्या कर रहा है? लेके जाओ, लेके जाओ, आपका लेके जाओ। Nilima. Ha, sala, guys. Thank you so much. Bye. Yes, I do.